नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में ठीक से होंगे। तो दोस्तों, आज ना फाइनली बहुत अच्छी धूप निकली है। कम से कम 4-5 दिन जो था ना, लगातार मौसम बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हिमाचल में। तो हिमाचल में नहीं, ऑलमोस्ट सभी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इसके कारण ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज जो है ना, वो धूप निकली है अच्छी सी, और इस इतनी कि अच्छी धूप निकली है ना, तो हम सोच रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत घर के काम कर लेते हैं, है ना। जो मतलब ठंड में क्या होता है ना, आपको जैसे पता ही है कि ठंड में कोई काम करने का मन नहीं करता, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। तो आज थोड़ा धूप थी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा घर की सफाई कर ली जाए। तो हमने तो मैं तो बाकी काम करूँगी, पर तो मेरी सासू माँ जो है ना, वो आज करेंगे चूल्हे की लिपाई। जैसे कि आपको पता है कि जो हिमाचली लोग हैं ना, वो चूल्हे को कितनी प्रेफरेंस देते हैं, कितना ज़्यादा उन्हें चूल्हे को महत्व देते हैं, है ना। वो अपना सारा काम जो है ना, ऑलमोस्ट चूल्हे पे करना पसंद करते हैं। जैसे खाना बनाना, दूध गर्म करना, और भी मतलब पानी गर्म करना, और वैसे भी चूल्हे के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आग सेकने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है ना चूल्हा। तो उसकी लिपाई जो है ना, वो मम्मी जी कर रहे थे, क्योंकि लोहड़ी पे तो चूल्हे का और भी महत्व हो जाता है, क्योंकि उसमें तो ये शास्त्र होता है कि जो चूल्हा होता है ना, उस पर मिट्टी लगानी होती है लोहड़ी वाले दिन। मतलब कि वैसे तो हर एक त्यौहार में उसे हम लिपाई करते हैं, पर लोहड़ी पे ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है चूल्हे को। कि लोहड़ी पे ना अग्निदेव जी को ना अर्घ दिया जाता है, तो इसलिए जो है वो चूल्हे पे आज मम्मी जी लिपाई कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊँ और मैं देखूँ कि वो लिपाई कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे को तो मुझे तो आती नहीं है लिपाई करना चूल्हे की, मैं बस देख सकती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊँ कि चूल्हे की लिपाई मम्मी जी कैसे कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा चूल्हा जो है ना, वो दूसरे घर में है, कच्चे घर में है। तो सबसे पहले जो धूल है, इसे निकाल लिया जाता है चूल्हे से, और ये मिट्टी बनाई है लिपाई करने के लिए। ओ उस साइड है, ओ ऊपर दी, ये उच्ची करा थोड़ी सी। तो ये मिट्टी से लिपाई हो रही है चूल्हे की। माप ले रहे हैं कि ये इस पे जो पतीली है वो टिकती है कि नहीं टिकती। तो ये देखिए, इसको एक दिन के लिए ऐसे छोड़ देंगे, फिर इस पे इसके ऊपर जो है ना, वो गाय का गोबर और वो लगाया जाएगा, मिट्टी का लेप लगाया जाएगा, फिर इसके ऊपर लगाया जाएगा ये जो वाइट मिट्टी लगाई है, फिर ये लगाई जाएगी, फिर ये सुंदर दिखेगी बहुत ज़्यादा। इसे अंदर से भी सब लगाएंगे मिट्टी ऐसे करके। कल दिखेगी अंदर सारी। तो ये कुछ इस तरह से इसकी लिपाई हुई है, ये अभी आधी बनी है, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो है हमारा चूल्हा बन के कम्प्लीट हो गया है। इसे अच्छी तरह मिट्टी लगा के ऊपर वाइट मिट्टी लगा दी गई है, जिससे ये देखने में और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो चूल्हे के ऊपर। आपने देखा कि मम्मी जी ने कितनी मेहनत से उसकी लिपाई करी है, 2 बार इसकी लिपाई की जाती है, और फाइनल कोट जो होता है वो उस पर वाइट मिट्टी लगाई जाती है, जिसे हम ना मकोल बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। तो ये मकोल उसके ऊपर लगाया जाता है, और फाइनली जो चूल्हा है ना, वो बन के कम्प्लीट हो गया है। और आपने देखा वो कितना अच्छा लग रहा है चूल्हा जो बना हुआ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।